नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और सुपर टेक्निकल अशोक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि व्हाट्सएप में एसटीयू का ऑप्शन क्या है और इसको हमारे को कैसे यूज़ करना है, कहां पर हम उसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के बारे में दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दिखाने वाला हूं। और एसटीयू के ऑप्शन से हम दोस्तों उससे जो हम कोई भी सेट या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को जो ऐड कर सकते हैं आसानी से। तो उसको जो कैसे ऐड करना है और एसटीयू के ऑप्शन को कैसे यूज़ करना है, मैं आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे नए टेक्निकल वीडियो बनाता रहता हूँ। और घंटी का बटन भी दबा दें जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, सबसे पहले मेरे इस वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसको भी ज़रूर दबा दें। तो अब दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो इधर दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरे जो व्हाट्सएप में बहुत सारी चैट है। तो इसको जो मैं कोई भी एक चैट को सेलेक्ट कर देता हूँ, ग्रुप को सेलेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ग्रुप पर प्रेस करके रखा तो इधर जो है राइट का टिक लग चुका है और ऊपर हमारे को चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन है चैट पिन का। तो इधर हम जैसे क्लिक करके कर देते हैं तो उसके बाद में ये ग्रुप है जो सबसे ऊपर आ जाएगा और ये जो पिन हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन मिलता है हमारे को इधर म्यूट का। तो इस पर हम जैसे क्लिक कर देते हैं तो उसके बाद में ये जो ग्रुप है जो म्यूट हो जाएगा और इसमें कोई भी मैसेज आएगा तो हमारे को जो है उसका नोटिफिकेशन या फिर कुछ भी हमारे को मालूम नहीं पड़ेगा। जब हम इसको जो व्हाट्सएप को ओपन करेंगे तभी हमारे को मालूम पड़ेगा। और तीसरा ऑप्शन मिल जाता है हमारे को एसटीयू का। तो इधर हम दोस्तों जैसे क्लिक कर देते हैं, मैं आपको क्लिक करके बता देता हूँ। तो इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो ये जो ग्रुप था इधर से हट चुका है, अभी जो है इधर नहीं है वो ग्रुप, क्योंकि दोस्तों वो ग्रुप है जो एसटीयू चैट में चला गया है। तो एसटीयू चैट को निकालने के लिए हमारे को दोस्तों क्या करना चाहिए, मतलब कि वो जो हाइड हो चुका है तो जो एसटीयू हुआ है हाइड हुआ है उसको वापस निकालने के लिए दोस्तों हमारे को सबसे नीचे चले जाना है और इधर हमारे को एसटीयू के ऑप्शन मिलता है। तो आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों आप जैसे क्लिक करेंगे तो इधर हमारे को ऑप्शन मिल जाता है। इधर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक तो मोटो E5 मेरा सेकंड मोबाइल है, उसको मैंने पहले एसटीयू करके रखा था, और दूसरा जो अभी ये ग्रुप था एसटीयू, तो इसको जो है मैंने अभी हाइड किया है, मतलब कि अभी एसटीयू किया है। तो इसको जो है इधर से हम जो पाँच मैसेज पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं इस पर क्लिक करके। जैसे कि आप मैंने जो है इस पर क्लिक किया तो ये ग्रुप ओपन हो चुका है और इधर से कोई भी मैसेज पढ़ सकता हूँ आसानी से। और फिर हम बैक ले लेते हैं और वापस बैक जाते हैं तो इधर कोई भी मतलब कि वो ग्रुप हमारे को दिखाई नहीं देता है। और इसको जो वापस लाना है, अगर आपको व्हाट्सएप में वापस लाना है जो एसटीयू चैट या फिर ग्रुप में आपने जो है एसटीयू किया है, तो उसको जो अगर आप वापस लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है इस पर क्लिक कर देना है, क्लिक करके रखना है आपको। तो क्लिक करके हम जैसे ही रखते हैं तो इधर दोस्तों हमारे को वापस एसटीयू का वापस मिल जाता है। तो हमारे को जो है इस पर क्लिक कर देना है। इस पर हम दोस्तों जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो वापस आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए मेरे व्हाट्सएप में ये वापस आ चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों आप व्हाट्सएप के ग्रुप या फिर चैट को जो आसानी से ऐड कर सकते हैं इस एसटीयू के ऑप्शन की मदद से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी नई नॉलेज और कुछ जानकारी मिली होगी। तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा, जैसे कि मेरे बारे में, वीडियो के बारे में या फिर चैनल के बारे में आप कुछ भी कमेंट लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे वापस अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।